तो गाइस अभी हम वर्कशॉप पे आ गए हैं। ये है क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर, कूड़े वाली टोकरी के साथ विकेट इन्होंने बनाई हुई थी। बारिश आने वाली है और जुहैब भाई भी आ चुके हैं, पर क्या करें, पर हम खुद भी जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, पता नहीं चलती उठा के वापस ले गए। ये झूठ बोले हैं, गाड़ी देख के जान जो बिल्कुल यहाँ पर आके खड़ी थी बिलाल ने उसको दफा मार के पीछे कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद द व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप सब फाइन होंगे। आज पे 10 दिन हो गए हम सुन रहे हैं टीवी पे कि बारिश होनी है लाहौर में, लेकिन हो ही नहीं रही, हमारी वजह से ही नहीं हो रही, हम ही को बैठे हैं। तो गाइस जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि आज है फ्राइडे और हम जा रहे हैं फ्राइडे पे, और बिलाल भी हमेशा की तरह नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर जाते हैं हम थोड़ा दूर जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, घर में ना पढ़ा करो। ये गाड़ी थी कल जो बिल्कुल यहाँ पर आकर खड़ी थी, बिलाल ने उसको दफा मार के पीछे कर दिया। अब उनको पता चल गया भाई साड़ी का जान है और अब मैं जा रहा हूँ। गाइस जले के काम देखना, ये साड़ी का जला है देखना, गाड़ी देख के जान जो ले लिया है अपने साथ से। हेलो बेटा, से जमा बारे बेटा इधर जी, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग बताया था, किसी ने मुझे एक रिंग दी थी, दो बल्कि दी नहीं थी, मैंने खरीदी थी, हाँ मैंने खरीदी थी, इसने वो हमारे घर आके मुझे पता नहीं चलना थी उठा के वापस ले गया। ये झूठ बोले हैं, मैंने ना जब हम रात को आए थे ना, तब मैंने उन्हीं भाई से ली थी, मैं आपको बता दूं तफसील से, तब मैंने उन्हीं भाई से ली थी, ठीक है। फिर मैं उन्हीं के घर गया था, मेरे हाथ में थी, मैं अपने घर आ गया। अगले दिन जो हमने बैलून वाली वीडियो थी ना, वो हम शूट करने के लिए उन्हीं भाई के घर गए थे, तब मैंने वो वहाँ पे रख दी थी और उन्हीं भाई को बिल्कुल नहीं पता था। और ये मैंने अब इनको कहा है, मैंने अपने अब मैंने उन्हीं भाई को कहा है मैंने अपने लिए होल लेने, तो मैं आपको एक ला दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी वहाँ पर जहाँ पड़ी होती है, अगर उधर बाकी पड़ी हुई थी तो वो क्यों नहीं पड़ी, बताओ तो भाई। मैंने तो रखी थी क्योंकि मुझे पता है आप टेबल के नीचे वॉच और वो काली अंगूठी रखते हो, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करो कि हम नजदीक पहुंच गए, रेबी को फोन करके पूछो उसने आना ही करना। गाड़ी खड़ी की है खुदा के ओले, और दुकान बहुत मस्जिद बहुत ज्यादा दूर है, और देखिए इज़न प्लाट में से जा रहा है जल्ला जा, मन भी किया है कपड़े गंदे हो जाएंगे, पर क्या करें, और हम खुद भी झाड़ियों में से जा रहे हैं। हमने जुम्मा पढ़ लिया है, तो अब हम नान चने लेने आए हुए हैं, बजान गया हुआ लेने, ये बड़े बहरे इंसान है, हमने 10 बार ही हॉर्न मारे गए नहीं, फिर बजान अभी गया लेने, उनके बस खत्म हो गए होंगे, इस वजह से मुझे लगता है। ये देख मेरे माथे पे दाना बना हुआ है, बड़ी मुश्किल से आज मैंने नमाज पढ़ी है, बारिश आने वाली है और जुहैब भाई भी आ चुके हैं, और देख के ना काले बादल आएंगे। आज मैंने तुम बता, आज मैंने सुबह ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था कि भाई आज बारिश 10 दिन हो गया, वो कह रहे पर बारिश नहीं आ रही। अच्छा अभी ले आ जाओ कहना को, ठीक है अभी मैं अपने, नहीं मैं अकेला लेके आता हूँ जुहैब भाई के बाइक पे। अच्छा मैं ले आता हूँ, ओके। हाय गाइस, तुम्हारा मुबारक गाइस। हॉली टूर पे डांस है। डांस हम गए थे कुनैन की खाला के घर, ओहो कुनैन की फूफो के घर, क्योंकि उसने लाना था किसी बच्चे को वैरायटी। हाय हाय क्यों जूतियाँ मंगाई हैं, क्यों रुस गई हैं, अब क्या हुआ है? खेलेगा खेलेगा, वो मैच करो, नहीं हाँ नहीं खेलेगा, और नहीं खेलेगा आज, हाय मेरे, खेलेगा 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 मारेगा आज। देखें मैं गाल छोड़ गया, जैन भाई आज बच्चों के साथ देखे ना क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर, कूड़े वाली टोकरी के साथ विकेट इन्होंने बनाई हुई थी, और मुझे इन्होंने साथ यहाँ पर बिठाया हुआ था, जलील कर रहे थे घर, मैं यहाँ पर बैठ के इनका वेट कर रहा था। अब लाल भाई को आज हमने दुकान पर भेजा, आप इसकी बातों को नहीं समझ सकेंगे लेकिन मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत डीप बातें कर रहे हैं। तो बस आज हमारी गाड़ी गई हुई थी ठीक होने, तो अभी उसको हम लेके जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि एक ठीक नहीं होने, मतलब उसका ऑयल चेंज होना था और वगैरह वगैरह, तो अभी उसका एक काम रहता था जो भाई लेके आ गया, तो वो भूल गए थे, मतलब उसकी एक लाइट चल रही है और एक लाइट, हाँ वो क्योंकि वो काड़ी होगी थोड़ी सी, अब उसका उसका कान ठीक कराने जा रहे हैं। ये देखे जी यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर वर्कशॉप पे जा रहे हैं, आगे से यू टर्न लोगे तो फिर
तो गाइस अभी हम वर्कशॉप पे आ गए हैं। ये है जी 4-स्टार वर्कशॉप ऑल द एडिबिला, 4-स्टार वर्कशॉप ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। चल बस कर तू ना तो। गाइस अभी फिलहाल क्या हुआ था, बाहर से सब्जी वगैरह लेने और फिलहाल आया, फिलहाल ने आज मुझे एक स्टोरी सुनाई है, आप भी सुने। क्या हुआ जी भाई बताएं। मैं आ रहा था तो जब मैं मार्केट पहुंचा तो दो बच्चे छोटे से, मैं भी खड़ा था, खड़ा हो गया, वो भी खड़े हो गए, हंस रहे थे। मैंने कहा पता ये क्यों हंस रहे हैं, तो मैं जब उनसे क्लीन किया तो उनसे पूछा आप क्यों हंस रहे हैं, कहते हैं आप यूट्यूबर हैं। मैंने कहा जी हाँ जी हम आपको देखते हैं यूट्यूब पे और बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं, और आपका एक व्लॉग हमने देखा है मेकअप वाला, आपने गाड़ी करवाई हुई है, दूसरे में आपने मेकअप किया। और फिलहाल इतना खुश हुआ कि मुझे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया सोसाइटी में भी। फिलहाल ने आके अंदर आया इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था, कहता आपको एक स्टोरी सुनानी, एक स्टोरी सुनानी है, तो इसने आते हमें ये बात बताई। मैं ये सारी गल्लां नोट करता पया, मैं जानदा पया सन इस जेडी गल कीती है गल भाई रजाक, मैं जानना जी ते तोन पता है इसकी ये गल कीती जी भाई, मैं जान तोड़िया की चाचा व्यास हुआ, मैं पता मैम द स्क्रिप्ट जी है करदा पया मुंह कटे बस रेजा कर उसके आ क्या तुआ नी तुआ जे वजी तमन कर साडे नाल हो हां तू थपे कतार जमीन गणे में बोल तू गल कर कोई कर। देखो गाइस अभी आपने जेबी के अंदर आया हुआ था मौलाना तारिक जमील, तो हमारे ऊपर ऐसे मच्छर डाल रहा था और बिलाल के साथ फजूल में लड़ाई कर रहा था, फजूल बातें कर जिसके। और अभी गाइस बिलाल भी कर रहे हैं मैंगो शेक बना रहे हैं, और बिलाल भाई ने आज जाना है कहीं और ये रात कहीं और स्टे करेंगे कि अलाव है तो रात को आ जाएंगे। तो गाइस ये था जो ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा।